फिर से स्वागत है विश्वनाथ कार्बी लाइव न्यूज़ चैनल में। अभी हम लोग यहाँ पे जो कार्बी हेमतुन में आके यहाँ पे देखा है कि एक्चुअली चुजुन कार्कली में एक्चुअली क्या होता है, हम लोग कार्बी कम्युनिटी ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, लेकिन यहाँ पे आके हम लोग देखा कि बहुत अच्छा लगा। राजस्थान से खुद MLA आया हुआ है यहाँ पे और खूब यंग है, एनर्जेटिक है, हैंडसम भी है, तो उसे यहाँ पे आके कैसा लगा एक्चुअल में कार्बी आंगलोंग दीपू में जो ट्राइबल लोग का जो इंडिजिनियस लोग का जो कल्चर है, मतलब चुजुन कार्कली बारी थे कार्कली, यहाँ पे आके कैसा लगा और चुजुन बारी थे कार्कली के विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? आपके चैनल को मेरी ओर से कार्डोम जोहार। असम के अंदर ये कार्बी कम्युनिटी के इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला और इनके बारे में पहले मैंने जान रखा था, एक बार किसी कार्यक्रम में आया था, इस जगह को देखा था और कई बार न्यूज़ चैनलों में और इसके बाद किताबों में हमने पढ़ा है असम की जो ट्राइबल कम्युनिटी है और कार्बी कम्युनिटी जो है इसके बारे में काफ़ी हद तक जाना। तो मेरी भावना थी कि कार्बी कम्युनिटी के इस कार्यक्रम में जाऊँ और कार्यक्रम में आए, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो पूजा पद्धति है और कार्बी कम्युनिटी के अंदर जो रहन सहन है, लैंग्वेज है, उससे हम काफ़ी प्रभावित हुए। और इस कार्यक्रम में मेरा मूल रूप से आने का उद्देश्य ये रहा कि मैं एज ए विधायक हूँ और एज ए ट्राइबल कम्युनिटी से हूँ, तो भील कम्युनिटी देश के अंदर ट्राइबलों के अंदर गोंड और भील दो बड़ी कम्युनिटी है, तो मुझे लगा कि पूर्वी भारत के अंदर हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी उनसे संपर्क करें, एक समन्वय बिठाए, हम लोग आपसी समन्वय बिठाए, व्यापारिक समन्वय भी बिठाए और पूरे देश लेवल के ट्राइबलों को एकजुट करने की हमारी मुहिम चल रही है। उस मुहिम के तहत ही हम लोग यहाँ पर आज आए और यहाँ का कल्चर देखे काफ़ी अच्छा लगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी कार्बी कम्युनिटी के लोगों को, साथ ही असम के अन्य ट्राइबल कम्युनिटी को कहना चाहूँगा कि आप लोग, आप इस यहाँ का जो कल्चर है उस कल्चर से सारा देश प्रभावित है, देश नहीं पूरा विश्व भी प्रभावित है और विशेषकर कहना चाहूँगा कि इस देश का मूल इंडिजिनस पीपल है, इस देश का मूल मालिक जो ट्राइबल कम्युनिटी है, तो ट्राइबल कम्युनिटी के साथ देश में जो स्थिति बनी हुई है कहीं इनके अवेयरनेस नहीं होने की वजह से बनी हुई है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से असम के सारे ट्राइबल कम्युनिटी को मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी कल्चर को बचा के रखें, अपने पूजा पद्धति को बचा के रखें, अपने जो बोली भाषा लैंग्वेज जो है उसको बचा के रखें, तो ये हमारी पहचान बनी रहेगी और एक पॉलिटिकली अवेयरनेस भी लाए और जो धर्मांतरण जो इधर उधर कई बार सुनने में आता है वो धर्मांतरण से बचे, क्योंकि धर्मांतरण होता गया तो हमारा कल्चर ख़त्म हो जाएगा, हमारी पूजा पद्धति ख़त्म हो जाएगी और पूजा पद्धति और कल्चर ख़त्म हो गया तो ट्राइबल होने की पहचान ख़त्म हो जाएगी और ट्राइबल होने की पहचान ख़त्म हुई तो संविधान के अंदर ट्राइबल के जो ट्राइबल के लिए जो अधिकार हैं वो अधिकार ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से असम के सारे ट्राइबलों से निवेदन करना चाहूँगा, अपना कल्चर है वो बचा के रखे, पूजा पद्धति बचा के रखे और पॉलिटिकली और धार्मिक जो इधर इधर हो रहा है उससे दूर रहे और देश में मूल मालिक जो हैं तो अपनी पहचान बरकरार रखे। धन्यवाद। जैसे कि पूरे देश के अंदर ट्राइबल जो कम्युनिटी है एक धर्म पूर्वी व्यवस्था से कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी की जो व्यवस्था है वो किसी भी धर्म में वो व्यवस्था नहीं मिलेगी, ट्राइबल कम्युनिटी का जो कल्चर है वो अन्य किसी भी धर्म में वो कल्चर नहीं मिलेगा, ट्राइबल कम्युनिटी की जो विवाह पद्धति है वो किसी भी देश के किसी भी धर्म में वो विवाह पद्धति नहीं मिलेगा। इससे ये साबित होता है कि ट्राइबल जो है वो धर्म पूर्वी व्यवस्था का ट्राइबल है, लेकिन देश में हाल ही में ट्राइबलों को अनेक धर्मों में बांट दिया गया है, तो हम पूरे देश लेवल पे एक मुहिम चला रहे हैं और हमने अलग से ट्राइबल कोड के लिए जो 22 की जो जनगणना होने वाली थी, हमने 2021 में राजस्थान के अंदर ट्राइबल कोड, आदिवासी धर्म कोड के लिए हमने डिमांड की थी, उस आधार पे सारे देश के ट्राइबलों को, सारे कम्युनिटी के लोगों को हमने बुलाया था और उस समय हमारी मुलाकात हुई और उस मुलाकात आगे बढ़ती गई और पूरे देश लेवल पे ट्राइबलों को एकजुट करने और ट्राइबलों की अलग से जनगणना हो, अलग से जनगणना कॉलम हो ताकि ट्राइबलों का धर्मांतरण नहीं हो, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और उस काम के आधार पे हम लोग मिलना हुआ और पॉलिटिकली अवेयरनेस को देखें, सांस्कृतिक दृष्टि से देखें और धार्मिक जो चीज़ें हो रही है उनको रोकने के लिए हम लोग पूरे देश के अंदर ट्राइबलों में काम कर रहे हैं, एज ए विधायक होने के नाते भी
हम काम कर रहे हैं और मुझे अवसर मिला और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने मुझे इस कम एज में विधायक बनाया और मुझे यहाँ तक आने का अवसर मिला। अब कार्बी आंग्लोंग डिपो में पहले बार आया है क्या, पहले भी आया है क्या यहाँ पे? नहीं, पहले मैं एक बार आ चुका हूँ, 2020 में आया था। कहाँ पे आया था? इसी जगह पे आया था और डिपो में कार्यक्रम था, आदिवासी एकता परिषद का कार्यक्रम था और आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले भी हम देश में सांस्कृतिक कल्चर को लेके, संवैधानिक हक अधिकार को लेके, इतिहास को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर आना हुआ था और कार्बी आंग्लोंग के बारे में पढ़ रखा था, समझने का अवसर मिला और आज यहाँ पर आने का अवसर मिला। कार्बी संप्रदाय का जो धर्म और संस्कृति जो प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए डेवलपमेंट के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अभी रोड डेवलपमेंट तो नहीं है यहाँ पे एक्चुअली, और यहाँ पे आके देखा है कि एक्चुअली कार्बी कुर्फ जो प्रिजर्व कर रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है एक्चुअल में अब, लेकिन यहाँ पे कार्बी आंग्लोंग ऑटोनोमस काउंसिल खुद पावर है एक्चुअली इंडिजीनियस लोग का आगे ले जाने के लिए, इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं इस विषय में हमारे जो साथी जो पॉलिटिकल लीडर जो हैं, काउंसिल के सदस्य हों, एमएलए हों, जो भी हों, उन सभी साथियों से मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज मैं मेरा उदाहरण ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर आया एज ए विधायक, आया एक विधायक कैसे बना, ट्राइबल का सर्टिफिकेट लगाया तो मैं विधायक बना, और मैं शेड्यूल 5 इलाके से आता हूँ, ये शेड्यूल 6 इलाका है, तो शेड्यूल 6 के जो अधिकार दिए हैं वो एज ए ट्राइबल होने के नाते शेड्यूल 6 का अधिकार दिया है, एज ए ट्राइबल है इसलिए ऑटोनोमस काउंसिल है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल है, क्यों है, ट्राइबल है इसलिए, तो एज ए ट्राइबल होने के नाते आपको अधिकार मिले, आप जनप्रतिनिधि बने, तो जिस सर्टिफिकेट से जिस कम्युनिटी के आधार पे आप वहाँ तक पहुँचे तो उस कम्युनिटी को देखना चाहिए। और ये कार्बी कम्युनिटी का एक धार्मिक स्थल है, मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरे सारे लीडरों से जो कार्बी कम्युनिटी से आते हैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि आप जिस सर्टिफिकेट लगा के आगे गए हो उस सर्टिफिकेट का ख्याल रखें। देश में जो देश चल रहा है वो संविधान के आधार पर चल रहा है, संविधान के अंदर मत को महत्व दिया है, किसको महत्व दिया, मत को, वोट को, ना कि पार्टी और टिकट को, लेकिन देश के अंदर टिकट को महत्व दिया जा रहा है, मत को महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो मेरे साथियों से कहना चाहूँगा, मत को नहीं भूले और अपने कास्ट सर्टिफिकेट को नहीं भूले, क्योंकि जिस आधार पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट मिला है उस आधार को बचाए रखना जरूरी है, और वो आधार है हमारी कम्युनिटी, और हमारी कम्युनिटी का जो परंपरा, रीति रिवाज, कल्चर, वो हमारा आधार है। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।